जय हिंद। कल 5 ज्ञानेंद्रिय बताए गए थे, जिसमें से स्किन का वर्क हो गया था। आज 4 बताया जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो चारों बता दिया जाएगा, वरना 2 ही बताएंगे। तो सबसे पहले अब आज जीभ बताते हैं। जीभ जीभ का काम क्या होता है? जीभ पहले संयोजी ऊतक है, दूसरा स्नायु यानी मुलायम होती है। जीभ में 10,000 कणिकाएँ होती हैं जो स्वाद चखने में आती है, जो स्वाद चखने के काम आते हैं। अब कणिकाएं क्या होती हैं? स्वाद कणिकाएं आप देखेंगे जीभ में, जीभ ऐसे देखेंगे आईने में तो छोटे छोटे दाने होते हैं, और पीछे जाएंगे उनका आकार बड़े होते जाएंगे। लगभग उनकी संख्या 10,000 में होती है। और 4 प्रकार के स्वाद हमारे जीभ चखता है। सबसे अच्छा तरीका है कि 4 प्रकार का स्वाद चखता है। सबसे आगे मीठा, और सबसे पीछे तीखा, फिर उसके बगल में, कहने का मतलब इधर, फिर उस चखता है खट्टा, खट्टा के बाद नमकीन। अब देखते होंगे किसी को तीखा लगता है तो वो बोलेगा गला फट गया, गले में दाना निकल गया, गला जल रहा है, ऐसे बोलता है। तो देखिए बना है जी, वैसे होता है, इनमें दाना होता है, दाना आगे जितने आएंगे उतने छोटे छोटे, 10,000 लगभग, इनकी संख्या 10,000 होती है। 10,000 सबसे पीछे तीखा, इसके बगल खट्टा, यहाँ पर नमकीन, दोनों बगल हुए होता है, और आगे मीठा। जीव अक्सर देखेंगे कि जन्म में ही आता है और मृत्यु तक बना रहता है, लेकिन दांत इतना कठोर कठोर बन के नहीं रहना चाहिए। जन्म के बाद आता है और मृत्यु के पहले ही टूट जाते हैं, यानी कठोर बन के मत रहिए। अब दूसरा टंग हो गया। अब आई बात नाक। नाक में बाल होता है, जो भी धूल मिट्टी जब आते हैं तो हमारा इसमें म्यूकस सेल होता है, म्यूकस सेल चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसी में जाके चिपक जाते हैं, और बाल भी हमारा मदद करता है। बस इतना ही है नाक में। और दूसरा काम, दूसरा एक और मुख्य काम है, जिसे सुगंध और दुर्गंध दोनों के काम आता है। तो लिख दें सुगंध, दूसरा दुर्गंध, तीसरा श्वास मार्ग, सांस मार्ग। नाक में जो बाल होते हैं वही मुख्य होते हैं। अब कान के बारे में, कान क्या होता है? कान तो सुनने का काम करता है, पहली बात तो यही है। अब कान दो भागों में बटा है, एक बाहरी एक भीतरी, कहने का मतलब कान दो भाग, पार्ट कितने हैं? दो, बाहरी दूसरा भीतरी। बाहर का कान किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, सिर्फ क्या होता है इसमें, ये बैलेंस बनाए रखता है, वो भी मनुष्य में नहीं, मनुष्य में कौनो बैलेंस नहीं बनाता। इसका काम सिर्फ क्या है, अगर आप नहा धो रहे हैं तो कान में पानी बचाता है, बस इससे ज़्यादा और कोई ना काम नहीं। इसको अवशोषी अंग कहा जाता है। अब लेकिन जानवर में देखेंगे कि इसका काम होता है, बैलेंस बनाता है, जब कुत्ता भौंकता है ऐसे खड़ा कर लेता है, और पूंछ भी अवशोषी अंग वो भी बैलेंस बनाता है, अक्सर देखेंगे। अब कोई बैलेंस बनाने की चीज रहेगा तभी बैलेंस बनाएगा ना। हमारे पास तो पैर है, हम पैर से बैलेंस बनाते हैं, हाथ से ऐसे फैला के बनाते हैं, ऐसे बैलेंस ऐसा होता है। तो दो भाग में होते हैं, आंतरिक और बाहरी। पहले बाहरी में, बाहरी बैलेंस बनाता है। बाहरी में 7 भाग होते हैं, यहीं इतने में 7 भाग, 7 भाग होते हैं, जिसमें से दो बता दे रहा हूँ, 7 नहीं। ऊपर का हेलिक्स लिख लो, नहीं तो बाहरी में हेलिक्स ऊपरी भाग, निचला भाग
लबूला, लबूला निचला भाग। कोई पूछे तो बताए ना कि ऊपर का हेलिक्स, और पूछे कितने पार्ट में, 7 पार्ट में। ये दो मुख्य पार्ट हैं, हेलिक्स और लबूला। ये हो गए बाहरी पार्ट। अब आंतरिक पार्ट। आंतरिक पार्ट जैसे ये पहले एक सुरंग है, सुरंग जिसको बोलते हैं कैनल। उसके बाद माइक्रोफोन, माइक्रो जिसको बोलते हैं पर्दा, अब उसको माइक्रोफोन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम्स, पर्दे को ईयर ड्रम्स। उसके बाद ओसिलेशन, ओसिलेस इतना आयाम होता है। तो बता दें कि सबसे पहले जैसे एक माइक ले लीजिए, माइक। अब माइक से दूर से बोलेंगे तो वो जाएगा पर्दे के पास, पर्दा में आराम से आवाज़ जाती है। उसके बाद जब और आगे जाता है, वो मैं करूँगा में जाता है, उसमें लगभग 3 गुना तेज़ आवाज़ हो जाती है। बोलेंगे 1 गुना, जाएगा कितना, 3 गुना। तो इसे कान में भी होता है, ऐसे होता है। ई होता है कनल, यहीं पर लगा होता पर्दा, तो कनल, कनल, और ये होता पर्दा, ये ड्रम, पर्दा। और फिर यहाँ होता है ओसिलेस, ओसिलेस, ओसिलेस 3 पार्ट में, इनकस, इनकस, मेलियस, स्टेप, यमाइस। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, यहीं से आवाज़ तेज होती है। 1 गुना बोलेंगे, 3 गुना। अब पर्दे में अचानक तेज से बोल देंगे, फट जाएगा पर्दा भाई। जिसको पर्दा वर्दा फट जाता है उसको ज़्यादा तेज सुनाई नहीं देता। ओसलेस 3 हो गए। और चौथा, चौथा होता है कोखेलिया, तरल पदार्थ होता है। वो इंडिकेट करेगा किसको देगा, ब्रेन को। यहीं से उसके बाद ब्रेन क्या करता है, सुनने की क्षमता जो होती है उसको कहता है चल अब काम कर। यहीं से हमें सुनाई देता है, तरल पदार्थ भेजता है माइंड में और वहीं से हमें सुनाई देती है। सबसे पहले कनल में आया, फिर ड्रम, कनल रास्ते में, फिर ड्रम पर्दे में, फिर ओसलेस 3 गुना आवाज़ बढ़ जाती है। कोकिलिया एक तरल पदार्थ है जो हमारे माइंड को संकेत देता है सुनने के लिए। अब बचा आँख। आँख का कल बताएंगे, बहुत बड़ा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 में। धन्यवाद।